फ्रेंड्स, गीत कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मुंबई स्टाइल में वड़ा पाव बनाएंगे और ये मुंबई की शान है वड़ा पाव, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। वड़ा पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल, और बाउल में लेना है हमें बेसन। हम सबसे पहले बैटर तैयार करेंगे, उसके बाद ड्राई गार्लिक चटनी तैयार करेंगे, फिर स्टफिंग तैयार करेंगे वड़े के लिए। 100 ग्राम हमने बेसन लिया है, 2 चम्मच राइस फ्लोर लेंगे चावल का आटा, 1 चुटकी के करीबन बेकिंग सोडा लेंगे, लाल मिर्च लेंगे 1/4 टेबल स्पून, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा कम ही नमक लेंगे क्योंकि स्टफिंग में भी नमक रहेगा और चटनी में भी, 1/4 टेबल स्पून के करीबन अजवाइन, इसे हमें हाथ से अच्छे से रगड़ के लेना है, और हम 2 चम्मच गरम तेल लेंगे। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको हमें ज़्यादा लूज पेस्ट नहीं बनाना है, थिक पेस्ट बनाना है। थोड़ा सा और लेंगे पानी और 1 से 2 मिनट के लिए इसे हमें अच्छे से फेंटना है। थोड़ा सा हींग लेंगे, 1 चुटकी हींग लेंगे। इसी तरह की कंसिस्टेंसी वाला बैटर हमें तैयार करना है। अब हम ड्राई गार्लिक चटनी तैयार करेंगे और हम बैटर को 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। गार्लिक चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन रखा है गैस पर और फ्लेम को रखा है मीडियम, और 1 चम्मच हमने यहाँ पे ऑयल लिया है, 1/4 टेबल स्पून राई, लहसुन लेंगे हमने यहाँ पे 1/4 कप के करीब लहसुन लिया है, और इसको हमें अच्छे से सौते करना है। एक से दो मिनट के लिए हम इसको अच्छे से सौते करेंगे। अब हम सूखा नारियल लेंगे, इसको भी हमें सौते करना है, हल्का सा भूनना है। मूंगफली लेंगे 1/4 कप के करीबन, और इसे हमें 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा भूनना है। फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें नहीं सेकना है, अदरवाइज ये जल जाएगा, तो हमें अपनी चटनी को जलाना नहीं है। 1/4 टेबल स्पून मेथी दाना, 1/4 टेबल स्पून के करीबन उड़द दाल, 1/4 कड़ी पत्ता, 1/2 चम्मच के करीबन जीरा, 1 चम्मच तेल लेंगे और हमें इसे अच्छे से चलाते रहना है। चार से पांच हमने यहाँ पे लाल मिर्च लिए है, तो हमें अच्छे से सौते करना है। एक चुटकी हींग लेंगे, 1 चम्मच सूखा धनिया। हमारी सारी चीजें अच्छे से सौते हो गई हैं। अब हम गैस को करेंगे बंद और इसे करेंगे हम ठंडा।
हमारी सारी चीजें अच्छे से सौते हो गई हैं। अब हम इसे करेंगे ठंडा, और ठंडा होने के बाद ही हम इसको पीसेंगे, और हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। वड़ा पाव की स्टफिंग के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे आलू बॉईल किए हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम के करीबन आलू लिए हैं, मतलब 6 से 7 आलू लिए हैं, और हमें इन आलूओं को बॉईल करके मैश करना है अच्छे से। हमने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है, और हमें लहसुन को अच्छे से छील लेना है, और 6 से 7 के करीबन लहसुन लेना है, 2 मिर्च और अदरक, इसका हमें पेस्ट बनाना है। गैस पे हम रखेंगे कढ़ाई। गैस पर हमने कढ़ाई ली है, और फ्लेम को रखा है हमने मीडियम, और इसमें हमने 1 चम्मच के करीबन ऑयल लिया है। अब हम इसमें लेंगे सौंफ 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच उड़द दाल, 1/2 चम्मच खड़ा धनिया लेंगे हम, 1/2 चम्मच राई, और कड़ी पत्ता लेंगे। यहाँ हमने कड़ी पत्ते को थोड़ा तोड़ के लिया है। अच्छे से हमें भूनना है, और थोड़ी सी हम लेंगे हींग, 1 चुटकी हींग लेंगे, और इसे अच्छे से चलाएंगे। हल्का भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, वो लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे। आप लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी कम भी ले सकते हैं, अगर आप लहसुन कम खाते हैं या नहीं खाते हैं तो लहसुन को स्किप कीजिए। हमने आलू मैश किए थे वो लेंगे हम, और इसमें थोड़ी सी हल्दी लेंगे, 1/4 टेबल स्पून के करीबन हल्दी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, अमचूर पाउडर 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच रेड चिली, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला, चाट मसाला 1/2 चम्मच, और इसको हमें अब करना है अच्छे से मिक्स। आप चाहो तो इसको फ्राई नहीं कीजिए, बिना फ्राई के भी आप इसकी स्टफिंग बना सकते हैं, जरूरी नहीं है, पर लहसुन का थोड़ा कच्चा सा टेस्ट आता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको भूना है। हमें अच्छे से इसको पका लेना है। अब हम इसमें लेंगे हरा धनिया, 1 से 2 मिनट के लिए ही बस हमने इसको पकाया है, ज्यादा हमें नहीं पकाना है, और हमारी स्टफिंग बनके तैयार है। अब हम बनाएंगे वड़ा। अब हम स्टफिंग को ठंडा करेंगे और गैस को करेंगे ऑफ। अब हम जो हमारी गार्लिक चटनी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसको हम पीसेंगे। आप लेमन जूस का या अमचूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यहाँ पे लेमन जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें इस तरीके से अच्छे से कम 2 चम्मच के करीबन लेमन जूस लेना है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेना है हमें यहाँ पे। हमें इसे बिना पानी के ही पीसना है। स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई थी, और हमने इस साइज के गोले बना लिए हैं, बॉल्स बना ली हैं हमने। आप जिस साइज के बॉल्स बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, छोटे या बड़े। अब हम गैस पर लेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में हमें लेना है ऑयल, और इसको हमें करना है फ्राई। गैस पर हमने ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में हमने वड़ा को फ्राई करने के लिए ऑयल लिया है, और गैस को करना है हमें मीडियम। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब जो हमने बैटर तैयार किया था उसमें हमें इस तरह से बॉल को रखना है, और इस तरह से उसे हाथ से कर सकते हो आप या किसी चम्मच से, तो
तो हमने इस तरीके से इसको यहाँ पे ले लिया है और इसी तरह से हमें सारे बॉल्स को तेल में रखना है। बहुत हमें इनको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अब हम इनको पलटेंगे। हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। हल्का ब्राउन होने के बाद ही हमें इनको निकालना है। हमारे सारे वड़ा तैयार हो गए हैं, अब हम वड़ा पाव बनाएंगे। हमारा वड़ा भी तैयार है और गार्लिक चटनी भी और हरी चटनी भी। अब हम एक लेंगे पाव और उसको हमें बीच से कट करना है इस तरह से, और जो हमने चटनी बनाई है उसको लेंगे बीच में इस तरीके से। ड्राई चटनी लेंगे और एक बड़ा पाव इस तरीके से इसमें रखेंगे। इसी तरह से हम सारे बड़ा पाव बना के तैयार करेंगे। अगर आपको थोड़ा से तवे पे अगर आपको बटर लगा के थोड़ा इसको सेकना है तो आप उस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। हमारे सारे बड़े बनके तैयार हैं। अब हम गैस पर रखेंगे तवा और तवे पे हल्का सा इनको सेकेंगे। गैस पर लिया है हमने तवा और इसमें लिया है हमने बटर और फ्लेम को रखना है हमें मीडियम। एक लेंगे हम बड़ा पाव, आप इस तरीके से भी इनको सेक सकते हैं। बस हल्का हल्का, ज्यादा नहीं सेकना हमको, सिर्फ हल्का हल्का सा इस तरह से ही हमें इसको सेकना है। हमें सारे बड़े हल्के हल्के सेक लेना है। आप बिना सिके हुए बड़े भी खा सकते हैं और फ्राई फ्राई की हुई मिर्ची ले लीजिए साथ में खाइए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है हरी चटनी के साथ। हमारे मुंबई स्टाइल बड़ा पाव बनके तैयार हैं। प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।